नमस्कार, मैं हरिदत्त एग्जामपुर परिवार में अपने प्यारे शिष्यों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग विवादित ज्ञानव्यापी मस्जिद की चर्चा करेंगे। प्रारंभ में कुछ इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते थे कि इस मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में जौनपुर के सरकी सुल्तानों ने करवाई थी, लेकिन इस बात के कोई ऐतिहासिक पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है। लेकिन जब मुगलों की सत्ता भारतवर्ष में स्थापित हुई तो मुगल बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल को बनारस में एक मंदिर बनवाने का निर्देश दिया और इसी के परिणामस्वरूप राजा टोडरमल ने प्रसिद्ध बनारस से काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब सत्ता पर आसीन हुआ तो उसने 1679 ईस्वी में प्रसिद्ध मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया। विद्वानों का ऐसा मानना है कि उसी के आदेश पर प्रसिद्ध बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव देवराय मंदिर और अन्य प्रमुख मंदिरों को तोड़ा गया, और विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि उसी मंदिर के ध्वंसावशेष पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। लेकिन इस बात के हमारे पास कोई पुख्ता ऐतिहासिक स्रोत नहीं है, और इस प्रकार से देखा जाए तो यह मस्जिद एक विवाद के घेरे में आती है। पहली बार इस मस्जिद का ऐतिहासिक जो प्रमाण हमारे पास है वो 1883-84 के भू अभिलेख में ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में सूचना मिलती है। इसके बाद इस विवाद को सबसे पहले 1936 के सेशन कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। उस समय कोर्ट ने इस बात के निर्देश दिए कि यह नीचे से लेकर के ऊपर तक मस्जिद है, इसमें मंदिर की कोई अवशेष हमको प्राप्त नहीं होते हैं। 1937 में सेशन कोर्ट के इस निर्णय को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया और उस समय उस मुद्दे को, उस विवाद को समाप्त माना गया। लेकिन पुनः इस मुद्दे को फिर से उजागर किया जा रहा है और माना जा रहा है कि मंदिर के ध्वंसावशेषों पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया है। और इस प्रकार से आज मैं इस मस्जिद की ऐतिहासिकता की चर्चा किया। विस्तार से कभी इसके बारे में चर्चा करूंगा। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।